हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मैं हूं ऋषभ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। और फ्यूचर को लेकर भी हैं और ये फ्यूचर के ओरिएंटेड भी हैं, यानी कि ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करने वाला हूं। टाटा मोटर्स की लेटेस्ट मीटिंग के ऊपर, जो एनुअल मीटिंग उनकी होती है, उन्होंने क्लियर कट अनाउंस कर दिया कि 2025 तक 10 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए जाएंगे फॉर द पैसेंजर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में फॉर द पैसेंजर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्सॉन ईवी ऑलरेडी उनकी आती है, यहाँ पर बात हो रही है एचबीएक्स की। एचबीएक्स पेट्रोल वगैरह डीजल में तो आएंगी ही, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा। एल्ट्रोस ऑलरेडी पेट्रोल डीजल में आती है, उसका भी इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा। एंड सोचने वाली बात यह है कि 8 और गाड़ियाँ कौन सी होने वाली हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, हालांकि मुझे भी इसका आंसर अभी अच्छे से नहीं पता, बिकॉज 2025 यानी कि अभी 21 चल रहा है, तो 25 तो पूरा है ही है, 24, 23, 22 एंड ये 4.5 साल में कंपनी को 10 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने हैं। हालांकि और व्हीकल्स तो वो लॉन्च करते रहेंगे, HBX से जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट्रोल डीजल, और उसके अलावा भी सेडान आनी है टाटा की एक और अभी। बट द पॉइंट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कंपनी काफ़ी सीरियस है, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं कि बहुत जल्द मैक्सिमम चार्जिंग स्टेशन खोले जाएँ, मेजर रूट्स के ऊपर हों, या फिर हर पेट्रोल स्टेशन के ऊपर एक चार्जिंग स्टेशन हो, उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज की और चार्जिंग स्टेशन की इंडिया में हो, ताकि कम से कम प्राइस में बेटर से बेटर प्रोडक्ट दिया जाए, ज़्यादा रेंज भी जिनकी हो। तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है, एंड ऑफकोर्स टाटा मोटर्स काफ़ी मेहनत कर रही है इसके ऊपर एंड काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बैटरीज को, या कैसे ईवीज की अडेप्टेशन को और फास्ट किया जा सके, तो उस पर काम किया जाएगा। एंड 10 नई इलेक्ट्रिक कार्स ओनली फ्रॉम टाटा बाय 2025, नाउ दैट्स अ बिग 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 चैलेंज फॉर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की हिस्ट्री को देखते हुए इन्होंने हर टारगेट को बड़ी अच्छे तरीके से अचीव किया, और चैलेंजेस जिनके इतने रहे हैं, इतने थोड़े से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट रहे हैं। एंड बाई 2025 बेसिकली 10 नई गाड़ियाँ लॉन्च करना वैसे ही बहुत मुश्किल, और वो भी इलेक्ट्रिक, नाउ दैट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। लेट्स सी टाटा मोटर्स हमारे लिए कौन सी ऑफरिंग लेके आती है। ऑफकोर्स एल्ट्रोस होगी, एचबीएक्स होगी, ये तो 100% कन्फर्म्ड है। एक सेडान आएगी, वो कन्फर्म है कि पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक में दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा क्या हैरियर, ग्रेविटास, ऐसे बड़े व्हीकल्स इलेक्ट्रिक अगर कर दिए जाए तो सफल रहेंगे अभी के लिए या नहीं, ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। मेजर बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग टाइम, और ऑफकोर्स बैटरी अवेलेबिलिटी की भी, कि बैटरी की लाइफ कितनी लॉन्ग है, या कितनी इजीली आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें ही टाटा मोटर्स के इस क्वेश्चन का आंसर देगी कि क्या वो अच्छे से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडेप्टेशन हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे या नहीं। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा अपडेट रिगार्डिंग द टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाई 2025। इसी तरह की न्यूज़ वगैरह के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करें इसी चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।